हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द सेकंड पार्ट और यू कैन से सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक इकोनॉमिक्स एंड इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स अभी हमारा यूनिट वन चल रहा है इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे हमने देखा था इकोनॉमिक्स होता क्या है ठीक है के कुछ हमने देखे थे. -economics, -economics ये क्या है इकोनॉमिक्स क्या तो right? हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके आगे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के फॉर्म क्या है तो देखेंगे दो फॉर्म होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उनके बीच में क्या डिफरेंस है क्या होता है ये एग्जांपल के साथ समझेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इकॉनॉमी आपने सुना होगा ये वर्ड बहुत इंडियन इकॉनॉमी या यूएस की इकॉनॉमी चाइना की इकॉनमी यूएस की इकॉनॉमी बहुत बड़ी है उसका पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है यूएस की इकोनॉमी डाउन हो जाए तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है ये सब सुना होगा ना न्यूज में आपने तो ये क्या होता है ये सब हम समझेंगे सिंपल इकोनॉमी क्या है कॉम्प्लेक्स इकॉनॉमी क्या है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे ठीक है गवर्नमेंट uh, का कितना कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे किसी भी इकॉनमी की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है उसके बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो इकोनॉमी तीन टाइप की होती है कौन कौन सी कंट्रोल्ड इकोनॉमी फ्री इकॉनमी एंड मिक्स इकॉनमी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स इकॉनमी है ठीक है तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और एक रिक्वेस्ट है कि इस कि इस लेक्चर के बाद आपको लगे आपने आज कुछ नया सीखा कुछ कुछ क्लियर हुआ है नॉलेज गेन की है तो इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना है खैर आप लोग करते हैं आप लोग मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जूनियर्स के साथ शेयर करते हैं थैंक यू सो मच तभी मेरा जो चैनल है आज

तो फिर चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स uh, के फॉर्म अगर मैं के की बात करूं, तो दो टाइप की इकोनॉमिक है. है अगर देखिए जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो भी इकोनॉमिक हाँ. इश्यूज है जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो भी इकोनॉमिक इश्यूज है ठीक है अगर वो रिलेटेड है पास से या प्रेजेंट से या फ्यूचर से रिलेटेड अगर इकोनॉमिक

ठीक है इसके बारे में जब बात होती है तो दैट इज पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूं रेट इंडिया में 1990 में 1990 इट वाज एक्स परसेंट वो एक्स परसेंट था ठीक है कुछ भी एक्स परसेंट मतलब 10 परसेंट बीस परसेंट कुछ भी ऐसा था तो ये क्या है दिस इज द ऑब्जर्वेशन विच इज रिलेटेड विद पास्ट ये पास्ट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है ना ठीक है तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और अगर मैं कहूँ कि एट प्रेजेंट इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज वाई परसेंट वो कुछ वाई परसेंट है अगर मैं ये बात कहूँ तो ये क्या है ये प्रेजेंट से रिलेटेड है ना ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इशू है इज रिलेटेड विद प्रेजेंट तो ये क्या है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैं अगर ऐसा कहूं कि जो पॉपुलेशन है इंडिया में अगर ऐसे ही ग्रो करती रही तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी जेड परसेंट बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तक

जबकि नॉर्मेटिव में चलिए पॉजिटिव के पहले मैं कुछ फीचर बता देती हूँ फिर मैं नॉर्मेटिव पे आती हूँ अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का वो है कि यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ठीक है वो किससे रिलेटेड होती है वो पास से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी पास से रिलेटेड प्रेजेंट से रिलेटेड फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को इसमें डील किया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ठीक है रिलेटेड विद पास प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स से इसमें बात की जाती है ठीक है एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इट इज वेरीफेबल फॉर यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप जो भी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर की बात हो रही है ना यहाँ पे अगर मैं ये कह रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1990 में एक्स परसेंट था तो यू कैन वेरीफाई दिस आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर की बात हो रही है और एक और फीचर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का यह है कि यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दी जाती है ठीक है कि क्या होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं होती पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो नॉर्मेटिव में होता है अभी मैं नॉर्मेटिव बताऊंगी तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में केवल क्या है क्या था एंड व्हाट वुड बी इन फ्यूचर क्या हो सकता है फ्यूचर में ठीक है उसके बारे में बात होती है ठीक है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके रिगार्डिंग कोई ओपिनियन ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता यहाँ कोई ओपिनियन नहीं होती कि व्हाट शुड बी इसकी बात नहीं होती क्या है उसकी बात होती है इसीलिए आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं तो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी व्हाट ऑट टू बी होना क्या चाहिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ये हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखिए लिखा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है विच डील विद वॉट ऑट टू बी होना क्या चाहिए ठीक है तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट अपनी डिफरेंट ओपिनियन देते हैं डिफरेंट सजेशन देते हैं रिलेटेड विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो वो हम इकोनॉमिकॉब्लमस uh, करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ठीक है डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देते हैं रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और भी दूसरी पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उन सबको कैसे सॉल्व किया जाए ठीक है तो व्हाट ऑट टू बी होना क्या चाहिए तो इसकी बात हम करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ठीक जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर किसी ने ये सजेशन दिया है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि चल भी रहा है इंडिया में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिस विल इंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया तो ये किसका पार्ट है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे वट ऑट टू बी होना क्या चाहिए इसके रिगार्डिंग बात हो रही है अगर ये सजेशन दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप की जाए इससे अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल होगा ठीक है तो यह भी क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है है पे भी सजेशन दिया जा रहा ठीक है ओपिनियन दी जा रही है अगला एक और हो सकता है एग्जाम्पल की कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कम्पनसेशन दिया जाए बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है ठीक है बेरोजगारी भत्ता कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कम्पनसेशन दिया जाए इससे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होगा तो ये सब क्या है ये सब है सॉल्यूशन ठीक है ये सब क्या है ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट और इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट कम्पनसेशन देखने देने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी निकाला नहीं जा सकता ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने से अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये निकाला नहीं जा सकता क्योंकि अभी ये ओपिनियन है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा निकाला नहीं जा सकता ये ओपिनियन है ठीक है तो दिस इज नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते ये क्या होती है सिंपली ओपिनियंस होती हैं दिस इज मेरली ओपिनियन तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक और अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की तो सबसे पहला फीचर क्या है इट इज ओपिनियन ये ओपिनियन है इट इज नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ इसको वेरीफाई नहीं कर सकते ठीक है दूसरा इसका फीचर क्या होगा ये स्टेटमेंट में जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वहां पे हम बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी होना क्या चाहिए ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे व्हाट ऑट टू बी व्हाट व्हाट शुड बी होना क्या चाहिए इसकी बात होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में और यहाँ पे वैल्यू जजमेंट होता है यहाँ पे ओपिनियन होती है वैल्यू जजमेंट होता है तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ठीक है तो अब मुझे लगता है कि आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अब अच्छे समझ में आ गई है तो अगर समझ में आ गई है तो आप जल्दी से इसका डिफरेंस भी बता सकते हैं सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है रिलेटेड विद पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो डिस्कस की जाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी व्हाट ऑट टू बी ठीक है होना क्या चाहिए इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें इसके रिगार्डिंग बात होती है, में। दूसरा दोनों के बीच में क्या है? कि बात होती है लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट ऑट टू बी होना क्या चाहिए ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट की या पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात होती है ठीक है अगला जो डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव में वो ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स एंड फिगर की बात होती है तो इसलिए आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है ट्रूथ है कि नहीं है लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वहां पे जो बातें कही जाती हैं ठीक है थीके? जो स्टेटमेंट्स है दिस इज नॉट वेरीफेबल फॉर ट्रूथ इसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि इट इज जस्ट एन ओपिनियन

एक बार पहले ये डिफिनीशन पढ़ लेते हैं इकोनॉमी क्या है इकोनॉमी एक सिस्टम है एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स को गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है सोल किया जाता है खरीदा जाता है ठीक है बाय द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन किसी पर्टिकुलर रीजन किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बेचते हैं खरीदते हैं ताकि वो अपनी जो भी लिविंग है उसे अर्न कर सके तो ये जो पूरा सिस्टम है पूरा जो प्रोसेस है ना इसी को कहा जाता है इकोनॉमी ठीक है इसी को कहा जाता है इकोनॉमी इकोनॉमी क्या है इकोनॉमी वो सिस्टम है वो प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है प्रोड्यूस किया जाता है मतलब प्रोडक्शन किया जाता है खरीदा जाता है बेचा जाता है किसी पर्टिकुलर रीजन में ताकि लोग अपनी लिविंग हुड यानी लोग अपनी लिविंग को अर्न कर सके ठीक है तो ये जो पूरा सिस्टम है ना इसी को कहा जाता है इकोनॉमी राइट चलिए तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है ठीक है इकोनॉमी क्या होती है अब इकोनॉमी को हम दो सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एक होता है सिंपल इकोनॉमी और एक होता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी ठीक है अच्छा ये जो इकोनॉमी है देखिए किसी भी इकोनॉमी में जो डिफरेंट लोग हैं जो लोग हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं किसी भी इकोनॉमी में लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि क्या कर सके वो लोग अर्न कर सके अपनी लिविंग जैसे मैं बात करूं मैं एक टीचर हूं मैं स्कूल जाती मैं कॉलेज जाती हूं ठीक है एक डॉक्टर है वो वो हॉस्पिटल जाता जाता है 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 जो जो फार्मर है, वो अपनी फील्ड पे डेली काम करने हैं वो अपने कंपनी में जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो बेसिकली क्यों जा रहे हैं क्यों इकोनॉमिक एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो अर्न कर सके लिविंग ठीक है एंड ये जो पूरा सिस्टम है ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें लोग अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए गुड्स या सर्विसेज जैसे मैं क्या कर रही हूं मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ ठीक है मैं आपको पढ़ा रही हूँ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें लोग गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं सोल्ड करते हैं बेचते हैं खरीदते हैं ये जो पूरा सिस्टम है पूरा प्रोसेस है इसी को कहा जाता है इकॉनमी राइट right? अब ये जो इकॉनमी है दो टाइप की है सिंपल इकोनमी कॉम्प्लेक्स इकोनमी ठीक सिंपल इकोनॉमी क्या है चलिए सिंपल इकोनॉमी बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए जो इंडिविजुअल है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपना एग्जाम्पल लू ऐसा नहीं है कि मैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की मुझे रिक्वायरमेंट है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज मैं खुद प्रोड्यूस कर सकती हूँ ऐसा नहीं है ठीक है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की मुझे रिक्वायरमेंट है जो भी मेरी नीड्स है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वो मैं खुद ही सारे प्रोड्यूस कर लू मुझे किसी पर डिपेंड न रहना पड़े ऐसा नहीं हो सकता ठीक है ठीक है मैं आ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ प्रोफेसर हूँ तो ठीक है मैं पढ़ा सकती हूँ ठीक है तो मैं अपने जो बच्चे हैं मैं उनको पढ़ा सकती हूँ बट मेरी और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है ठीक है अगर मैं बीमार पड़ी तो मुझे डॉक्टर की जरूरत है अगर मुझे कपड़े सिलवाने हैं मुझे टेलर की जरूरत है अगर मुझे घर के कामों में थोड़ी हेल्प के लिए एक मेड की जरूरत है मुझे खाने के लिए चीजें चाहिए ठीक है तो फार्मर अगर खेती नहीं करेगा तो कहाँ से मतलब अनाज होंगे और कहा से वो मार्केट में आएंगे और कहा से मैं परचेज कर पाऊंगी तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल ठीक है अपनी नीड्स के लिए अपनी वॉन्ट्स के लिए क्या है दूसरों पर डिपेंडेंट है ठीक है यही देखिए मैंने लिखा है एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज यानी कोई एक इंडिविजुअल अपने सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी भी उसको जरूरत है उस वो सारे खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है उसको अपनी वॉन्ट्स को नीड को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा ठीक है चाहे आप किसी भी किसी की भी बात करें जितने भी रिच पर्सन हो चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो ठीक है कोई भी आई एस पीसी कोई भी रिच पर्सन हो सबको दूसरों पर डिपेंड रहना ही पड़ता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्योंकि हम सारे काम नहीं कर सकते ठीक है तो यानी हमें समझ में आ रहा है कि देर इज अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस यानी एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है ठीक है एक एक पर्सन दूसरे पर डिपेंड है दूसरा तीसरे पर डिपेंडेंट है तीसरा शायद पहले पर डिपेंडेंट है तो दे इज अल इंटर डिपेंडेंस और म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस की वजह से क्या आता है एक्सचेंज म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस की वजह से क्या आता है एक्सचेंज हम आपस में एक्सचेंज करते हैं हम आपस में ट्रेड करते हैं हम आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं कुछ लेन देन करते हैं ठीक है तो यही इकोनॉमी है यही तो इकॉनॉमी में बताया था यही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम अर्न करते हैं अपनी लिविंग ठीक है तो मैं यहाँ पे बता रही थी सिंपल इकोनॉमी क्या है तो सिंपल इकोमी वो इकॉनमी है जहां पे डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट डिग्री सिंपल इकोनॉमी वो इकॉनमी होती है जहां पे इंटरडिपेंडेंस एंड जो एक्सचेंज है इंटरडिपेंडेंस यानी जो एक पर्सन दूसरे पे जो डिपेंड रहता है ठीक है अपने गुड्स uh, के लिए सर्विसेज के लिए जो डिपेंड रहता है एंड आपस में जो एक्सचेंज करता है जो ट्रांजैक्शन करता है वो अगर मॉडरेट हो थीके? बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो तो उसको कहा जाता है सिंपल इकॉनमी सिंपल इकॉनमी में जो ह्यूमन बीइंग होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होते ठीक है बहुत ज्यादा एक्सचेंज बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा ट्रेड और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा नहीं होती है तो दिस इज सिंपल इकॉनमी ठीक है जैसे अगर मैं एग्जांपल लू तो पास्ट में पहले क्या था पहले हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनकी नीड्स इतनी ज्यादा नहीं थी ठीक है हमें मतलब हमारी नीड्स एक लिमिटेड थी ठीक है हमारी वॉन्ट्स एक लिमिटेड थी जो फुलफिल हो जाती थी हमें बहुत ज्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था लेकिन अगर आज की बात करूं आज के टाइम में हमारी नीड्स हमारी वॉन्ट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमारा जो एक्सचेंज है ट्रांजेक्शन है और जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ठीक है तो आज के टाइम में मैं बात करूं वो कॉम्प्लेक्स इकोनमी हो चुकी है मैं अभी कॉम्प्लेक्स में आऊंगी बट पहले के टाइम में क्या था पहले के टाइम में सिंपल इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ये सब नहीं था तो पहले क्या थी सिंपल इकॉनमी तो सिंपल इकोनॉमी क्या है समझ में आ गया ना अगर डिग्री ऑफ इंटरचेंज ये लिखा है मैंने यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ इंटरचेंज एंड एक्सचेंज अगर मॉडरेट है तो उसको कहते हैं सिंपल इकॉनॉमी लेकिन कॉम्प्लेक्स इकॉनमी में क्या होता है डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज वेरी हाई यानी हर इंडिविजुअल दूसरे पर डिपेंड है हर बात के लिए हर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ठीक है तो अगर दूसरे पर डिपेंड बहुत ज्यादा है ठीक है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स इकॉनमी जैसे प्रेजेंट सिनेरियो आज के टाइम में जो है ना दैट इज कॉम्प्लेक्स इकॉनमी हर बात के लिए हर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट है ठीक है लेकिन पहले की लाइफ क्या थी सिंपल थी इतनी ज्यादा नीड्स नहीं थी इतनी ज्यादा बॉन्ड्स नहीं थी तो हम सेल्फ डिपेंडेंट थे काफी चीजों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट थे लोग खेती भी करते थे ठीक है थोड़ा सा खेती भी करते थे स्कूल में पढ़ाते भी थे गांव में देखिए लोग के खेत भी होते हैं स्कूल में पढ़ा भी रहे होते हैं तो यानी खेत यानी आपको किसी दूसरे फार्मर पर डिपेंड नहीं रहना है अनाज के लिए ठीक है और आप स्कूल में पढ़ा भी रहे तो मतलब पहले की इकॉनमी थोड़ी तो सी सिंपल थी लेकिन आजकल क्या है इकोनमी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ठीक है क्योंकि इंटरचेंज बहुत मतलब ये जो इंटर डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो दिस इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकॉनमी के डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहला इसके बीच में डिफरेंस क्या है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो सिंपल इकॉनमी है इसमें जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है देखिए डिपेंडेंस तो रहेगी ही ठीक है लेकिन वो लिमिटेड है डिपेंडेंस तो रहेगी देखिए अकेले नहीं कोई रह सकता है ठीक है हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं तो डिपेंडेंस तो रहेगी लेकिन सिंपल इकोनॉमी में लिमिटेड होती है जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में इट इज वेरी हाई ठीक है दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इनकम लेवल जो सिंपल इकोनॉमी है वहां पे इनकम लेवल लो होता है जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में इनकम लेवल हाई होता है क्यों हाई होता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है ट्रेड बहुत ज्यादा है आपस में एक्सचेंज uh, बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इनकम भी ज्यादा होगी लेकिन पहले के टाइम में लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट थे तो इतना ज्यादा ट्रेड नहीं था ट्रांजेक्शन नहीं था अपनी नीड्स खुद ही सेटिस्फाई हो जाती थी खुद ही खेती करते थे वहीं से अनाज आ जाता जा 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 था ठीक है तो इनकम लेवल लो था पहले तीसरा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में कि डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो एक्सचेंज है जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रेड है वो क्या है सिंपल इकोनॉमी में लिमिटेड होता है लेकिन जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है वो कॉम्प्लेक्स इकॉनमी में इट्स वेरी हाई जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है लेकिन पास में क्या था सिंपल इकोनॉमी थी ठीक तो ये था सिंपल इकॉनमी एंड कॉम्प्लेक्स इकॉनमी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ हमारी ठीक है किसी भी भी में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है वो किस तरीके से कंट्रोल है इसके बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो इकॉनॉमी तीन टाइप की होती है ठीक है इकोनॉमी क्या है तीन टाइप की होती है कौन कौन सी ये है यहाँ पे मैंने लिखा है इकोनॉमी तीन टाइप की होती है कौन कौन सी पहला है कंट्रोल्ड इकॉनमी या जिसे सेंट्रली प्लांट इकॉनमी कहते हैं दूसरा क्या है फ्री इकॉनमी या जिसे मार्केट इकॉनमी भी कहते हैं अगला क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में है ठीक तो आ, अगर जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ठीक है वो कैसे कंट्रोल की जा रही है कितनी कंट्रोल की जा रही है इसके बेसिस पे डिवाइड करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो तीन टाइप की हो सकती है ठीक है अब जरा ये समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी किसी भी इकोनॉमी में जो भी काम हो रहे हैं जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है तो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है प्रोडक्शन हो रहा है तो कंजप्शन भी होगा ठीक है उसे कंज्यूम किया जाएगा कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है ट्रांजेक्शन हो रहा है ठीक है ट्रेड हो रहा है ठीक है तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी ये चार बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ठीक तो इकोनॉमिक एक एक्टिविटी एक मतलब तो समझ में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन करना कंज्यूम करना ठीक है कंज्शन करना इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज ये होती है चार बेसिक इकोनॉमिक एक एक्टिविटी तो ये जो इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है ये किसी भी कंट्री में कौन कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ठीक है अब कितना कंट्रोल करती है जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है ना दिस कुड वेरी ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री कि किसी कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितना कंट्रोल करती है ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री और इसी बेसिस पे हमने डिवाइड किया है इकोनॉमी तीन टाइप की होती है पहला कंट्रोल्ड इकॉनमी दूसरा फ्री इकोनॉमी तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी ठीक तो चलिए अब डिटेल में बताती हूँ कंट्रोल्ड इकॉनॉमी या जिसका दूसरा नाम है सेंट्रली प्लान इकॉनमी यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है जो गवर्नमेंट का जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है दैट इज वेरी हाई वो बहुत हाई होता है जो कंट्रोल इकॉनमी है वहां पे गवर्नमेंट का डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत हाई होता है जबकि जो फ्री इकॉनमी है या जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है दैट इज वेरी लो बहुत कम होता है बहुत नोशनल होता है जबकि मिक्स इकॉनमी जो इंडिया में है यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है दैट इज मॉडरेट गवर्नमेंट का जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो मॉडरेट होता है ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम ठीक है अगर मैं ये इसकी बात करूं आ, क्या बोलते हैं कंट्रोल्ड इकॉनमी की बात करूं तो चाइना क्या है चाइना इज अ कंट्रोल्ड इकॉनमी ठीक है यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे रशिया हुआ नाउ नॉर्थ कोरिया हुआ ये जो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ठीक है जबकि फ्री इकॉनॉमी की बात करूं तो यूएस और यूके ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फ्री इकोनॉमी का यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी कम है जबकि इंडिया क्या है इंडिया मिक्स इकॉनॉमी है यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल मॉडरेट है और ये सबसे बेस्ट है पता है ये सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट का कंट्रोल मॉडरेट है ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है ठीक है तो ये हमारी तीन टाइप की इकॉनमी है अब अगर इनके डिफरेंस की मैं बात करूं डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंस पढ़ने से ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है तो किसी भी टॉपिक का डिफरेंस तो जरूर पढ़ा करिए और इसलिए मैं जरूर इंक्लूड करती हूँ डिफरेंस को तो सबसे पहला है कंट्रोल या सेंट्रली प्लान इकॉनॉमी दूसरा है फ्री इकॉनॉमी तीसरा है मिक्स इकॉनमी तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इनके बीच में वो ये है देखिए एक बार रीड एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें रीड भी कर लीजिएगा तो कंट्रोल इकोनॉमी की अगर बात करूं तो कंट्रोल इकोनॉमी जो होती है यहाँ पे गवर्नमेंट का फर्म कंट्रोल होता है ठीक है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बताया था ना चार इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज ये चार इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनपे गवर्नमेंट का फर्म कंट्रोल होता है खूब हाई कंट्रोल होता है तो ये होती है कंट्रोल इकोनॉमी लेकिन फ्री इकॉनमी में क्या होता है फ्री इकोनॉमी इज कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेज यानी फ्री इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है मार्केट फोर्सेज मार्केट फोर्सेज मतलब डिमांड सप्लाई यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग की जाती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कंट्रोल की जाती है ठीक है जबकि मिक्सड इकोनॉमी जो इंडिया में है वहां पे क्या होता है यहाँ पे फ्री प्ले होता है यानी पे जो मार्केट फोर्सेस हैं जो डिमांड एंड सप्लाई है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं प्लस गवर्नमेंट का रेगुलेशन तो है ही ठीक है मतलब किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो उसकी डिमांड क्या है ठीक है उसके बेसिस पे प्लस गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है दोनों फॉलो किए जाते हैं ठीक है तो इंडिया में मिक्सड इकोनमी है यहाँ पे दोनों चीजें कंट्रोल की जाती है ठीक दूसरा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि जो कंट्रोल्ड इकॉनमी है वहां पे मोटिव क्या होता है वहां पे जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं उनका मोटिव क्या होता है सोशल वेलफेयर यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ना तो गवर्नमेंट तो पूरे अपनी पूरी कंट्री के बारे में सोचेगी ना तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर इज द मेन मोटिव बिहाइंड एनी इकोनॉमिक डिसीजन जबकि फ्री इकोनॉमी की बात करूं फ्री इकोनॉमी में मोटिव क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके ये मेन मोटिव होता है जबकि मिक्स इकॉनमी में क्या होता है दोनों मोटिव होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है प्लस सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है तो ये दोनों मोटिव होते हैं मिक्स इकोनॉमी में ठीक तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया तीसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि जो कंट्रोल्ड इकॉनमी होती है वहां पे ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर किंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है वहां पे कस्टमर इज किंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स का कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है ठीक है यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कंट्रोल्ड इकॉनमी में जबकि जो फ्री इकॉनमी होती है वहां पे क्या होता है कस्टमर इज किंग वाला कॉन्सेप्ट है जिस गुड्स की जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो गुड उतना ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है जबकि मिक्स इकॉनमी में क्या है जो इंडिया में है मिक्सड इकॉनमी वहां पे क्या होता है वहां पे ठीक है कस्टमर इज किंग ये वाला भी चलता है प्लस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज किया जाता है ताकि हर कंज्यूमर तक जितने भी असेंशियल गुड्स हैं वो पहुंच जाए ठीक है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारे यहाँ पे मिक्स इकॉनमी में चलिए चौथा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि कंट्रोल्ड इकॉनमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं ठीक है मेन जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनकी जरूरत है प्रोडक्शन के लिए उन्हें कौन ओन करता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस किसी भी प्रोडक्ट को किस मार्केट में बेचना है ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है जबकि फ्री इकॉनमी में क्या होता है अधिकतर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पीपल जो इंडिविजुअल्स हैं वो होल्ड करते हैं और वो डिसाइड करते हैं प्राइस जो भी गुड्स हैं जो भी सर्विसेज है उन्हें किस प्राइस पे सेल करना है ये पीपल डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं फ्री इकॉनमी में जबकि हमारे यहाँ पे जो मिक्स इकोनॉमी है यहाँ पे क्या है रिसोर्सेज जो भी लैंड लेबर कैपिटल जो भी रिसोर्सेज हैं, इन पे कुछ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कुछ पे लोगों का भी कंट्रोल है ठीक है और प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो मनमाने रेट पे अपना प्राइस लगाए ठीक है डिमांड सप्लाई प्लस गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है मिक्सड इकॉनमी में जो हमारे यहाँ पे तो सोचिए हम लोग कितने लकी हैं कि हम इंडिया में हैं जहाँ पे इतनी अच्छी इकोनमी है है ठीक नेक्स्ट uh, जो पांचवा जो फीचर है कंट्रोल uh, पांचवा फीचर नहीं सॉरी पांचवा जो डिफरेंस है इनके बीच में दैट इज uh, जो पब्लिक सेक्टर कंट्रोल इकॉनमी की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक सेक्टर इसमें डोमिनेट करता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है यानी अधिकतर जो सेक्टर्स हैं, अधिकतर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो यानी पब्लिक सेक्टर यहाँ पे डोमिनेट करता है जबकि फ्री इकोनॉमी में सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में आती है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है मिक्सड इकोनॉमी हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज पब्लिक सेक्टर की है बहुत सारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है ठीक है तो हमारे यहाँ मिक्स है तो दीज आर द फाइव डिफरेंसेज बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी जो तीन टाइप की इकोनॉमी है इनके बीच में ये पांच एक डिफरेंसेस थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं ठीक है अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ठीक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये दो टाइप की है ये दोनों अलग अलग है ठीक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये तीन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे प्लस अपॉर्चुनिटी पढ़ाऊंगी तो ये सब मैं पार्ट थर्ड में, में पढ़ाऊंगी तब तक अपना पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पढ़ के रखिएगा कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर आज का लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप करती हूँ मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू